भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अभी मेरी यहां ऊपर आने से पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता हमें कुछ दिन पहले ही फिर एक बार दिखाई दी है, सुनाई दी है। साथियों, कुछ बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है।